Hello guys, welcome back to the channel iTech World AKTU. In today's video, we are going to discuss about the important topic of artificial intelligence. So basically, artificial intelligence AKTU University में third year and fourth year दोनों के students पढ़ते हैं. Third year में specifically ये AI branch का subject है and fourth year में it's totally up to elective. Let's start with the unit number one. So पहला जो important topic है unit number one में वो है काफी basic topic है. यानी आपको basic AI की definition पढ़नी है क्या होती है एंड गोल्स ऑफ ए आई और ब्रांच ए आई की. ये आपको बहुत ही बेसिक फर्स्ट टॉपिक करना है आपको. सेकेंड टॉपिक टाइप्स ऑफ ए आई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. थर्ड टॉपिक करना आपको इवोल्यूशन ऑफ ए आई, बेसिकली हिस्ट्री है इसकी ए आई की. एंड फोर्थ टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इंटेलिजेंस एजेंट एंड इट्स टाइप. सो इसके बेसिकली फाइव टाइप्स होते हैं, आपको वो फाइव अच्छे से करने हैं, डायग्राम के साथ करने हैं एंड इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है. एंड फिफ्थ टॉपिक है वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. और अगर आप चाहें तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन अप्रोच भी कर सकते हैं. सो बेसिकली यूनिट नंबर वन जो है आपकी बहुत इजी यूनिट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको ट्राई करना कंप्लीट करने की. अदरवाइज ये क्वेश्चन भी करोगे तो मोर देन इनफ है, बिकॉज इनमें से ही यूनिट नंबर वन में आएगा. सो लेट्स मूव टू द यूनिट नंबर टू. यूनिट नंबर टू में जो पहला टॉपिक है वो आपका सर्चिंग प्रोसेस एंड इट्स पैरामीटर. सर्चिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है और पैरामीटर्स, बेसिकली फोर पैरामीटर्स होते हैं इसके, कंप्लीटनेस, ऑप्टिमेलिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो इसको आप कर लेना, ये पूछ सकता है आपसे. सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अनइन्फॉर्म एंड इन्फॉर्म सर्च और या फिर BFS और DFS. इसमें से एक क्वेश्चन आएगा या तो आपसे पूछ लेगा अनइन्फॉर्म सर्च क्या होता है, इन्फॉर्म सर्च क्या होता है. अगर ये नहीं आया तो अनइन्फॉर्म सर्च की दो टाइप्स होते हैं, BFS एंड DFS, उनके बीच में आपको डिफरेंस पूछ लेगा. तो बेसिकली आप इन्हें एक बार पढ़ लेना, डिफरेंस आप इजिली लिख दोगे. एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है AI का यूनिट नंबर टू का, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम. हर बार के एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस बार भी इसके चांसेस है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम के. एंड इसके साथ साथ एक वाटर जग प्रॉब्लम है जिसमें एक जग में आपको 4 लीटर और एक जग में 3 लीटर वाटर होता है, तो ये भी आप कर लेना. इसके भी चांसेस है, बिकॉज 10% चांसेस है कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम नहीं आएगी, तो ये ही आएगी. सो 90% प्रोबेबिलिटी हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम की है. बाकी रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप वाटर जग प्रॉब्लम भी कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी. फोर्थ टॉपिक की बात करें है अल्फा बीटा प्रूनिंग, ये भी मोस्ट प्रोबेबली आएगा आपका 10 मार्क्स में. सो अल्फा बीटा प्रूनिंग भी एक बार आप कर लेना. नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ टॉपिक AO स्टार एल्गोरिथम एंड CSP. बेसिकली AO स्टार एल्गोरिथम, AO स्टार एल्गोरिथम, ये आप एक बार देख लेना, इजीली हो जाएंगे. एंड कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम, इसके भी चांसेस हैं. सो इसको एक बार आप जरूर करिएगा. यूनिट नंबर टू में सिर्फ इतना ही. लेट्स मूव टू द यूनिट नंबर थ्री. सो यूनिट नंबर थ्री आपकी टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है. अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको सबसे लास्ट में करने के लिए, बिकॉज काफी टाइम टेकिंग यूनिट है. डिस्क्रीट का इसमें कुछ पार्ट है, सेकंड ईयर में आपने DSTL पढ़ा हुआ उसका ही पार्ट है. सो पहला जो टॉपिक है वो है प्रेडिकेट लॉजिक, यानी फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक कर लेना. इन्फ्रेंस रूल्स हैं वो आएंगे 10 मार्क्स में, क्वेश्चन कंफर्म है मोस्ट इंपोर्टेंट में. सेकंड है यूनिफिकेशन एल्गोरिथम, यूनिफिकेशन एल्गोरिथम आ सकती है. थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेनिंग, ये हर बार क्वेश्चन आता है, फॉरवर्ड के आने के चांसेस ज्यादा है. अगर ये नहीं आया तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड में डिफरेंस पूछ सकता है. सो ये आप अच्छे से कर लेना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग दोनों. फोर्थ टॉपिक है रिजोल्यूशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिजोल्यूशन आप कर सकते हैं. बाकी पांचों यूनिट के नोट्स हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे होंगे. अदरवाइज आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूंगा. सो उसको भी एक बार ज्वाइन करें, नोट्स आपको दोनों ही जगह मिल जाएंगे. अब मूव करते हैं यूनिट नंबर फोर की तरफ. यूनिट नंबर फोर एंड फाइव जो अभी रिसेंटली सिलेबस चेंज हुआ है, तो बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के ऊपर डिपेंडेड है यूनिट नंबर फोर एंड फाइव. सो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर. अपने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़े होंगे एजेंट्स, तो बेसिस ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर है एजेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें आप कर लीजिएगा. सेकेंड टॉपिक नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, एक बार मैंने लास्ट ईयर के पेपर में देखा है. थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है मल्टी एजेंट सिस्टम, एजेंट एंड कम्युनिकेशन, ये दो पार्ट है तो इनको भी आप अच्छे से करना. ये भी मैंने एग्जाम में देखे लास्ट ईयर के में. सो फोर्थ टॉपिक है ट्रस्ट एंड रेपुटेशन, सब टॉपिक है ये
5 मार्क्स में आ सकता है, नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग के साथ हो सकता है दोनों मर्ज हो गए 10 मार्क्स में आ जाए, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना। एंड फिफ्थ इंटेलिजेंट एजेंट जो यूनिट नंबर 1 में पढ़े थे उन्हीं को थोड़ा ब्रॉडर वे में आपको पढ़ना है, तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट यूनिट है, एंड इसमें हम बेसिकली एआई के जो एप्लीकेशन पार्ट है वो पढ़ेंगे कि एआई का एप्लीकेशन क्या क्या है। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको भी कंप्लीट करो, बिकॉज क्योंकि ये तो वो छोड़ने जैसा इनमें कुछ नहीं है, टोटल थ्योरी है। यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 5 आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है यूनिट में इसमें, तो इन दोनों को आप कर लोगे तो आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इन दोनों को कंप्लीट करो, बिकॉज इजी है, दोनों यूनिट हो जाएंगी इजिली, टाइम टेकिंग यूनिट नहीं है। सो इसमें जो पहला टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी इन एआई। कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है, 2-3 बार ही क्वेश्चन देखा है, तो इसको जरूर करना आप। सेकेंड टॉपिक है स्पीच रिकॉग्निशन, थर्ड है आपका एप्लीकेशन ऑफ एआई। बेसिकली इसमें हम एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है रोबोटिक्स इन एआई आ जाए, रोबोट क्या होते हैं और रोबोटिक्स क्या होता है एआई में। फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ टॉपिक है रोल ऑफ कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। बेसिकली एप्लीकेशन का ही पार्ट है एआई का, ये एक बार क्वेश्चन मैंने देखा था 5 मार्क्स में आया था, दोनों ही रोल ऑफ कंप्यूटर विजन 5 मार्क्स में, पैटर्न रिकॉग्निशन 5 मार्क्स में, तो ये भी हो सकता है मर्ज होके आ जाए। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट अच्छा है तो सबसे पहले आप यूनिट नंबर 2 एंड 3 करें, बिकॉज इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट है। बाकी आपकी थ्योरी पार्ट अच्छा है तो यूनिट नंबर 1, उसके बाद 4th 5th कर सकते हैं, देन टाइम बचे 2nd और लास्ट में 3rd, बिकॉज यूनिट नंबर 3 थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, न्यूमेरिकल पार्ट है उसमें। सो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।